बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तमाम विधायकों के साथ अभी गवर्नर से मिले हैं। उन्होंने कल मानसून सत्र में जो विधेयक पारित हुआ है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, उसे काला कानून बताते हुए इस विधेयक को गवर्नर से अवगत कराया है। और यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था करना, ये पिछले दिनों ये प्रैक्टिस में देखा गया। आज तक भी 7 से 10वीं की जो जीपीएससी का आयोजन किया, जो ओएमआर सीट जो जारी करने की बात थी विज्ञापन में, वो भी आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। फिर अभी अभी जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी बड़ी घपला हुई, और उसका जब लोगों ने विरोध किया तो आप सबके सामने उसका परिणाम पता है। और ये सरकार ने जब देखा कि बार बार लड़के विरोध कर रहे हैं, नौजवान विरोध कर रहे हैं, और विरोध को ही दबाने के लिए उन्होंने ये कानून लाया ताकि कोई विरोध फिर नहीं करे। अब इसमें देखेंगे, जो विरोध करोगे तो उस विधेयक के विधायिका की कंडी का 11(2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़े करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधि के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज करने का, तथा कंडिका 23(1)(क)(ख) में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारने का प्रावधान किया गया। आप बताइए, ये तो खतरनाक है। अगर प्रश्न पेपर भी गलत होगा तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई छाप नहीं सकता है, कोई नौजवान आवाज नहीं उठा सकता है, और उसके लिए कोई वरीय पदाधिकारी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी वो गिरफ्तार करेगा, आप सब लोग भी कोई सुरक्षित नहीं होंगे। तो ऐसा काला कानून पारित होना है, और ये साफ ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार जो इन दिनों वैकेंसी निकाला है 26,000 या कितना का, एक तो वो लगता है कि पूरी तरह से बेचने पर वो आमादा है, ताकि कोई आवाज नहीं उठावे, उस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाए, उसके लिए कानून है। ऐसे अनेक ऐसे प्रावधान है मैंने आपको जो मुख्य रूप से, और इतना ही नहीं, जो परीक्षा संपन्न कराने वाले उनके जो रिश्तेदार या बाकी किसी के विरोध में भी, यानी उन लोगों को किस प्रकार से दुरुपयोग करता है अपने हित कुटुंब को साधने के लिए, अगर उनके बारे में भी किसी ने कोई आवाज उठाया तो उनके ऊपर भी दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई करेगी सरकार। तो आप इसे समझ सकते हैं, उस बिल का हम सब लोगों ने विरोध किया है, पार्टी विरोध कर रही है, नौजवान विरोध कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है, आप इस बिल को गंभीरता से देखें और उन्हें पूरी बातों को सुना है। और मैं उम्मीद करता हूं झारखंड की जनता के हित में, नौजवानों के हित में राज्य के महामहिम निर्णय लेंगे। लेकिन पहली बार अरेस्टिंग में जो 3 साल से 1 साल किया गया, अब तो वो सरकार कह रही है कि बिलेबुल है, बेवजह बीजेपी इसको इस तरीके से। सवाल बिलेबुल की यार नहीं है, बिलेबुल क्या, करोड़ करोड़ कितना जुर्माना वगैरह आप सब लोगों ने देखा होगा भाई, क्या मतलब है। और ये कदाचार को रोकना नहीं है, बल्कि कदाचार को बढ़ाने के लिए यह बिल उन्होंने बनाया है। कदाचार तो जीपीएससी करती है, कदाचार तो जो जेएससी है वो करती है। पिछले जितने भी एग्जाम हुआ है आप देखिए, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होता है, कहाँ कोई हल्ला गुल्ला होता है, कहाँ कोई बीच में कोई बदलाव होता है, लेकिन ये तो आप रोज देखेंगे, ये वैकेंसी जैसे निकलती है और 10 बार तो संशोधन उसी समय करता है, प्रश्न कभी लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है, इनका ये सब दिखता है। लेकिन बाबूलाल जी, आपको नहीं लगता अगर ये विधेयक रुक गया तो फिर एक बार राजनीति होगी कि बीजेपी सारा विधेयक हमारा राजभवन से रुकवा दे रहा, वापस कर रहा, चाह नहीं रहे। देखिए, जो गलत विधेयक लाएगी तो उसको रोकने के लिए बीजेपी कोशिश करेगी पूरी तरह से। भाई आप गलत लाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? पिछले दिनों भी आपने देखा कई विधेयक, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने आवाज उठाते रहे सदन में कि भाई आप इसको मत इस प्रकार से बिल पास करिए, प्रवर समिति को भेजिए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। अब गलत करेंगे तो उस गलत का तो विरोध होगा ही,
ठीक है। अब आप लोग की पार्टी सड़क पे जाके बच्चों को भी इकट्ठा करेगी या जन जन तक ये बात पहुंचाएगी? इसका हमने कहा कि आज हम लोगों ने ये शुरुआत की है, हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। सिर्फ वीडियो बनवा दी तो दिखाते हैं। अब हो गया।